ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मैं पद्म उपाध्याय देवी चामुंडा का साधक आराधक, साथ में ही योग ध्यान का साधक, आपको नवरात्रा के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ जो मेरे अनुभव में हैं, जो आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। देखिए, नवरात्रा इसलिए कहा गया, नवरात्रि यानी जो भी शक्ति हैं। यहाँ पर दो ही शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड के अंदर, एक तो आदि शिव हैं और उनकी जो शक्ति है जिसको हम देवी कहते हैं, शक्ति कहते हैं या दुर्गा कहते हैं। इसीलिए शिव की रात्रि होती है यानी महारात्रि, शिवरात्रि, या दूसरी देवी जो होती है उनकी नवरात्रा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अघोर, अघोर यानी प्रकाश। प्रकाश हमेशा रात्रि में ही प्राप्त किया जा सकता है। जब सारी चेतना शांत हो जाती हैं, जगत में सिर्फ प्रकाश रह जाता है जिसको हम भले ही अंधकार कहें, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती है, वो शिव जिसे हम आदि शिव कहते हैं, जो निराकार हैं, जो सिर्फ ज्योतिर्लिंग के रूप में ही प्रकट हुए थे, और दूसरी शक्ति जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की, जैसे दुर्गा सप्तशती में आपने मूर्ति रहस्य में पढ़ा होगा, शक्ति हैं। इन दोनों की आराधना का उचित समय रात्रि काल होता है। तो एक तो मैं सभी जो भी देवी को मानने वाले या जानने वाले हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आप साधना करना करते हैं शक्ति की, शक्ति को उपासक हैं, वो कृपया रात्रि में करें। दूसरी बात, ये शक्ति जो है वो आपके अंदर है, आपको उसे जागृत करना है। उसको जागृत करने से ब्रह्मांड से आपका तारतम्य होगा और आप स्वयं सिद्ध होंगे। सिद्धि कोई बाहर से नहीं आती है, सिद्धि अंदर से होती है, स्वयं सिद्ध होते हैं। साधक वो होता है जो अपने आप को साध ले, और महात्मा वो होता है जिसने अपनी आत्मा को महान कर लिया। तो माँ देवी या शक्ति की साधना करने के लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको पुस्तकों में और दूसरे चैनल पर बहुत सारे उपाय बता दिए जाएंगे, वो उपाय कभी फलीभूत नहीं होते हैं, वो सिर्फ टोने टोटके होते हैं। अगर वास्तव में आपको शक्ति की उपासना करना है, आराधना करना है, तो आध्यात्मिक तौर पर कहें, जैसे ज्योति अगर आप प्रकट करते हैं या ज्योति जलाते हैं, वैसी ज्योति आपके अंदर आत्मा में या आज्ञा चक्र में जलना चाहिए। रात्रि में आप नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के, अगर लाल कपड़े पहने तो बहुत अच्छी बात है, लाल ही शुद्ध आसन हो आपका, और दक्षिण दिशा में या उत्तर दिशा में अपना मुख करके, देवी की मूर्ति नहीं है, देवी की तस्वीर भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, पूरी श्रद्धा या मन से भक्ति से आप सिर्फ ज्योति जलाइए। लेकिन दो ज्योति होना चाहिए, एक शुद्ध घी की और दूसरी होना चाहिए सरसों के तेल की। दो ज्योतियाँ साथ में जलना चाहिए, एक देवी की, दूसरी भैरव की, क्योंकि देवी की साधना भैरव के बिना अधूरी है। भैरव भी शिव के ही अवतार हैं, इसलिए रुद्र के अवतार हैं, इसलिए भैरव के लिए दीपक की स्थापना करें। और सबसे पहले जो भी आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे प्रयुक्त मंत्र है नवारण मंत्र, जिसमें ओम नहीं लगाते हैं, इसमें सीधे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है, इसका उच्चारण करेंगे आप। तो सर्वप्रथम आप ज्योति प्रज्वलित करके, जो घी की ज्योति है उसमें दो फूल वाली लौंग और दो कपूर की टिक्कियाँ जलाएं डालें, और जो तेल की ज्योति आपने जला रखी है उसके अंदर सिर्फ लौंग डालना है आपको, और उसके बाद देवी का आवाहन करना है लाल पुष्पों के साथ। आवाहन करके लाल पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उस पर आवाहन कर रख दें। फोटो या मूर्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी ज्योति है वो आपकी आत्मा के अंदर जली हुई है। और सबसे पहले आप अपने नौ चक्रों का ध्यान करें, क्योंकि देखिए जो नवरात्रा होती है तो प्रथम दिन जो होता है देवी का स्वरूप या शक्ति का स्वरूप आपके मूलाधार में रहता है, तो मूलाधार का ध्यान करें। दूसरे दिन स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करें,
तीसरे दिन मणिपूरक चक्र का ध्यान करें, चौथे दिन अनाहत चक्र का ध्यान करें, पांचवें दिन विशुद्धि चक्र का ध्यान करें और छठे दिन आज्ञा चक्र का ध्यान करें और सातवें दिन सहस्त्रार में अपने आप को केंद्रित करें। ये सात दिन मुख्य माने गए हैं और अष्टमी के दिन जब देवी प्रकट हुई थी इसलिए उसको अष्टमी का महत्व है, सभी लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, लेकिन साधक को पूरे नौ दिन पूजा करना चाहिए और नौ ही दिन हवन करना चाहिए। इसके अंदर जो कन्या जमाने का प्रथा है या परंपरा है वो देवी स्वरूप है। एक्चुअली पहले दिन आपको एक कन्या, दूसरे दिन दो कन्या, तीसरे दिन तीन कन्या, चौथे दिन चार कन्या, ऐसे करके पूरे नौ दिन नौ कन्या आपको जमाना चाहिए या उसको उसी तरह से गुणा करके भी आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। जो भी इसमें साधना करने वाला है साधक उसको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर ही शयन करना चाहिए एक समय, या तो भोजन करे या फलहार करके रहे और नौ दिन साधना करे। इसमें कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्वयं सिद्ध हैं। आप उसके अंदर कुछ लौंग या इलायची, नौ लौंग और नौ इलायची रख दें वहाँ पर पूरे सातों दिन, और सातों दिन रखने के बाद में जब आपका यह समापन हो जाए तो लौंग और इलायची को संभाल के रख लें। और जब कोई किसी भी तरह की घर में विपदा आती है, आकस्मिक बीमारी होती है या किसी को मानसिक परेशानी होती है तो उसको वो देवी का नाम लेके एक लौंग और एक इलायची खिला दी जाए तो उससे उसको बहुत आराम मिलता है और जो दवाई आप ले रहे हैं वो दवाइयाँ उस व्यक्ति को असर करती हैं। दूसरी चीज़ है, आप जो निवारण मंत्र का जाप करते हैं अगर आप उसका सवा लाख जाप कर लें तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जितना भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उतना उसका मार्जन करें, उसका तर्पण करें और उसका हवन करें, उसके बाद मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है परिवार में घर में तो एक चांदी का गिलास लें, उसके अंदर ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ऐसे आप 11 या 21 बार मंत्र बोलें और हर बार उस पानी में फूंक मारें और उस पानी को आप जिस व्यक्ति को व्याधा है या जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति बीमार है उसको वो जल पिला दें तो तुरंत उसको शीघ्र लाभ होगा। और लाभ होने के साथ साथ उसको अगर दवाई कोई चल रही है तो दवाई भी उसको लगेगी, अगर दवाई नहीं लगती है तो व्यक्ति पूरा स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ तक आपको अपने व्यापार धंधे से संबंधित है उस समय जो देवी के ऊपर आप सिंदूर चढ़ाते हैं, सिंदूर मतलब मेरा कहने का मतलब है वो कामिया सिंदूर जो हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है वो सिंदूर का प्रयोग करें, और जो सिंदूर उस समय वहाँ एकत्रित होता है उसको रख के एक डिबिया में, चांदी की डिबिया में रख लें और उस सिंदूर को ये करें कि आप उसको किसी जहाँ भी आपका जहाँ पर तिजोरी है घर में या जहाँ पर दुकान में जहाँ तिजोरी है उस सिंदूर की लाल कपड़े में पोटरी बना के और उसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध घी मिला के और किसी चांदी की प्लेट पे, छोटी सी चांदी की प्लेट तस्तरी कोई लें उसके अंदर उसको रख के और उसके अंदर उसको रख दें तो आपके ऊपर बराबर कृपा बनी रहेगी देवी की, जिससे आपके आय के साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन इसका मतलब कोई भी साधक ये ना सोचे कि वो बहुत जल्दी करोड़पति या लखपति या अरबपति बन जाएगा, नहीं, लेकिन जितना उसके प्रारब्ध में मिला है, लिखा है कि जितना उसे प्राप्त होगा वो उसे जरूर प्राप्त होगा, उसमें जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। इस तरह के कई उपाय हैं, उपाय तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है या अनुभव सिद्ध है कि उपाय हमेशा टीवी पे देख के या पुस्तकों में बैठ के पढ़ के अपने आप नहीं अपनाना चाहिए। जो इसका योगी है, साधक है या जो साधना करने वाला है उसी से इस उपाय को सुने, लिखें और उसी के अनुसार बताए हुए ढंग से उसे करेंगे तो वो पूरा फलित होता है। किताबों में पढ़ के या टीवी में बैठ के अगर उपाय करते हैं तो फलित नहीं होता। जय माँ भवानी। ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः।